हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो लेट स्टार्ट। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। सो स्टार्ट करते हैं। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन ये आता होगा आपके माइंड में कि हमारे एग्जाम्स में केमिकल प्रॉपर्टीज से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एग्जाम्पल दे दिए, क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है या इसमें क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। जैसे कहा कि कोई भी एसिड, सपोज H2SO4, कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी मेटल जैसे जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, तो ये क्या है? एक सॉल्ट है। और प्लस H2, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना पड़ेगा तब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट। और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। सो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द मेटल जिंक, जिंक सल्फेट इज फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, जिंक इज द ओनली मेटल। अब ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि जिंक ही एक ऐसा मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सोडियम जिंक के विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। दैट इज द एक्सेप्शन। और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि जिंक ही सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है 2NaOH एंड इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2ZnO2+H2। ये क्या है? दैट इज सोडियम जिंकेट। दैट इज सोडियम जिंकेट। सो कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस। आफ्टर दैट अभी हमने क्या देखा था? रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद मेटल्स। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड। तो फर्स्ट देखते हैं, एसिड तब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। उस केस में वो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वॉटर। कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर से याद रखना पड़ेगा कि व्हेन रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, किसका फॉर्मेशन? सॉल्ट और वॉटर का। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मेटल कार्बोनेट, दैट इज बाइकार्बोनेट। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? Na2CO3। उस केस में Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। तो इट विल फॉर्म 2NaCl+H2O+CO2। तो कौन सी गैस रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? दैट इज NaHCO3। ये आपको याद होने चाहिए। सोडियम कार्बोनेट होता है, जनरली हम कंफ्यूज होते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एंड टू फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखना होगा कि जब रिएक्शन हो रही है किसके साथ? एसिड की जब रिएक्शन हो रही है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। सो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
कि जब एसिड और बेस अपने एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर, और उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लाइक सी द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. NaOH plus HCl, it will form NaCl and H2O. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड. जनरली मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए याद रखना होगा कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किसकी है, एसिड, एंड आफ्टर दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. ये आपको याद रखना होगा, यहां से जनरली क्वेश्चन आता है. एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, CuO. अब ब्लैक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अ ब्लू ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड. अब ये भी ध्यान रखना है कि किस कलर का कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है, दैट इज ब्लू ग्रीन कलर, CuCl2 प्लस H2O. किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड. तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड. अब देखते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. उस केस में भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है बट बेस, उसमें क्या था, एसिड. तब बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, दैट इज CaOH2. व्हेन ये रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एसिड एंड बेस इन वाटर. एसिड एंड बेस इन वाटर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं. जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व कर दें तो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन. सिंपल टर्म्स में बात करूं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एच पॉजिटिव आयन. बेसिस क्या होते हैं वाटर के अंदर, क्या प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर के अंदर डिसोशिएट होते हैं, OH नेगेटिव आयन. सो फॉर एग्जाम्पल एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोशिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन. सिंस हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज एच पॉजिटिव इन सॉल्यूशन, तो वो क्या करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अकेला एच पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी की वजह से. तो ये क्या कंबाइन होता है वॉटर के साथ, वॉटर कैसा है, पोलर इन नेचर, और फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन. ये हमने कॉन्सेप्ट अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी देखा भी था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आफ्टर दैट जो प्रेजेंस होती है हाइड्रोजन आयन की इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में, तो वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह. आफ्टर दैट बेस एक ऐसा सब्सटेंस की वॉटर में डिजोल्व होने पर हमें क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH नेगेटिव. बेसिस कैसे होते हैं, जो बेसिस वॉटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एल्केलाई. एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में डिजोल्व होता है, वॉटर के अंदर. बेसिस और एल्केलाई क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से. तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉटर के अंदर डिजोल्व होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम आयन. एग्जाम्पल दैट इज NaOH प्लस H2O, तो इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. तो क्या प्रोड्यूस करा इसने, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. तो जो प्रेजेंस है हाइड्रोक्साइड आयन्स की इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वो किसकी तरह क्या दिखाती है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस. क्योंकि बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पर प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन. उसके बाद पीएच स्केल. पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी को स्पेसिफाई करता है.
सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो पीएच क्या है, दैट इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन इज दैट कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ही क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करता है। ये ऑलरेडी हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि जो 7 होता है दैट इज न्यूट्रल, क्योंकि जो वाटर है वो कैसा है, न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। पीएच लेस देन 7 होती है वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक। पीएच ग्रेटर देन 7 दैट इज बेसिक, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आफ्टर दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ अ कलरलेस लिक्विड, अब बात किसकी हो रही है, कलरलेस लिक्विड की, तो हमें एक्यूरेट पीएच पता करनी है तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वो हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। द एक्यूरेट पीएच कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर का और अलग अलग कलर शो करता है एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, 7 दैट इज न्यूट्रल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7 से पीएच, जो पीएच 7 से कम हो तो वह एसिडिक होते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम इधर की साइड चलते हैं यानी कि 7 से 0 की साइड चलते हैं तो उस केस में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। आफ्टर दैट इधर ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन 7 तो होता है बेसिक, नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, लेकिन उस केस में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से ये एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट एग्जाम्पल, जहाँ से क्वेश्चन जनरली आते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीन कलर, किस में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, जब पीएच कितनी होगी, 7। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ग्रीन कलर, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन जब पीएच क्या होगी, 7। अब कलर जब ब्लू से वायलेट में चेंज हो जाए, कलर जब ब्लू से वायलेट में चेंज हो जाए, इट मींस पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 7 to 40। आफ्टर दैट कलर चेंज हो जाए येलो से पिंक में और फिर देन टू रेड, तो पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 7 to 1। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस है पीएच की, कि हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिंपल अगर बात करें तो जो हमारी बॉडी जो काम करती है वो किस पीएच की रेंज में करती है, वो करती है 7.0 to 7.8। आर बॉडी वर्क वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज दैट इज 7.0 to 7.8। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर, जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो पीएच होती है रेन वाटर की वो क्या होती है, दैट इज लेस देन 5.6, और जैसे हम कहते हैं एसिड रेन। इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना कि व्हेन द पीएच ऑफ अ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जैसे हम कहते हैं एसिड रेन। व्हेन दिस एसिड, जब ये एसिड एसिड रेन फ्लो करता है रिवर्स के अंदर, तो इट लोवर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो वो क्या करता है, रिवर वाटर के पीएच को कम कर देता है और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एसिड रेन की पीएच कितनी होती है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको याद होनी चाहिए लेस देन 5.6। उसके बाद पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, एज वी ऑल नो कि हमारे स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है बिना किसी हार्म के। बट वन मोर सिचुएशन, कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस में प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में, तो जो क्या कॉज करता है, इनडाइजेशन, जो क्या कॉज करता है, इनडाइजेशन। अब क्या होता है, तो क्या होता है जब इनडाइजेशन होता है, यानी कि स्टमक में पेन होगा या फिर एसिडिटी बहुत ज्यादा बनेगी, तो उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या ले लेते हैं, एक एंटा एसिड ले लेते हैं। एंटा एसिड्स क्या होती हैं, एक तरह की मेडिसिन होती हैं, कह लो बेसिस को ही हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड्स होते हैं जो पेन में रिलीफ करती हैं। एंटा एसिड सारा ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और उसे क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
सो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेडिसिन लेते हैं, दैट इज एंटा एसिड। अब कुछ कॉमनली यूज किए जाते हैं एंटा एसिड, जैसे MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये क्या करते हैं, एंटा एसिड्स की तरह काम करते हैं, और जो डाइजेशन में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इनडाइजेशन से हमें बचाते हैं। सो अगर एग्जाम में पूछ ले कॉमनली यूज्ड एंटा एसिड्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जितना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। आफ्टर दैट पीएच ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये क्या है, ईसोफेगस, ये हम बायो में डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्टमक। ईसोफेगस को और क्या कहते हैं, फूड पाइप, असेंडिंग क्लोन, दैट इज द प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग क्लोन, ये हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में। अब पीएच चेंज कोज ऑफ टूथ डिके, जब हमारा दांत खराब हो जाता है उस केस में क्या पीएच कितनी होती है, तो टूथ डिके जब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ की जो पीएच है वो कितनी गिरनी शुरू हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तब क्या होगा, टूथ डिके यानी कि दांत खराब होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। टूथ एनामल क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट से। ये भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो टूथ एनामल है वो किससे मिलके बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट, और वो क्या है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, और वो दैट इज टूथ एनेमल, और किससे मिलके बना है, कैल्शियम फोस्फेट से। इट इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर बट गेट कोरोडेड वेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। सो ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स आफ्टर ईटिंग, हेंस हमें टूथ डिके से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बार बार खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्या करना चाहिए, रिंस करते रहना चाहिए, यानी कि कुल्ला करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो कैसा होता है, बेसिक होता है, और वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, पीएच क्या है और उसका हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट है, वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये नोट्स या पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको EMRS से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, PDF है, वो सब फ्री मिलेंगी। तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।